मंकर मिरेकल बंद करो हाथ जोड़ के मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भैया यहाँ पर मैं एक बात पहले बोल देता हूँ, भाई मैंने हैट्रिक किया। अब भाई आप लोग सोचेंगे कि कैसे हैट्रिक किया मैंने, यहाँ पर बॉल से नहीं या बैट से नहीं, बैट से कैसे हैट्रिक करते हैं भैया, मुझे तो पता नहीं, आपको पता है तो जरूर कॉमेंट कीजिए। बॉल से मैंने हैट्रिक नहीं की, यहाँ पर मैं बोल देना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर जो है मैंने तीन मैचों में, जैसे जीटी वर्सेस वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स, यहाँ पर एलएसजी वर्सेस आरसीबी, और यहाँ पर कल का मैच जो धमाकेदार मुकाबला था आरआर वर्सेस आरसीबी में, एकदम तीनों के तीन यार प्रेडिक्शन एकदम ठीक किए थे कि भैया कौन जीतेगा वो आप लोगों बोल दिया था, परसेंटेज किसका ज्यादा था वो आप लोगों बोल दिया था। तो गाइस वही जीते, मतलब क्या ही है, यहाँ पर भविष्यवाणी लग भी जा रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैं आंखों से भविष्यवाणी कर सकता हूँ, यहाँ पर फ्यूचर देख सकता हूँ, क्या स्किल है, ये स्किल है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मिरेकल। यहाँ पर फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर राजस्थान वर्सेस आरसीबी के मैच में जॉस द बॉस बटलर ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से 59 गेंदों में यहाँ पर 106 रन के बढ़िया पारी खेल दिया। भैया 59 गेंदों में इन्होंने 100 पूरा किया था, 60 गेंदों में 106 रन के नाबाद पारी खेली है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बैटिंग की थी और यहाँ पर आरसीबी में यहाँ पर हाईस्ट स्कोरर निकले, यहाँ पर 58 रन करने वाले यहाँ पर राजन पाटीदार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बैट्समैन करते हैं, मतलब बैटिंग करते हुए दिखे थे, फिर यहाँ पर आउट हो गए थे हर्षल पटेल की गेंद में। तो गाइस यहाँ पर बोल देते, तो गाइस यहाँ पर है यहाँ पर गुजरात वर्सेस आरआर का मैच, मतलब भैया कड़ाकेदार कांटे वाला मुकाबला, यहाँ पर फिक्स तो नहीं करा जा सकता कौन विनिंग परसेंटेज किसका ज्यादा है, फिर भी मैं बोलूंगा मैं चुप नहीं रहूंगा। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर यही आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले, दोनों टीम प्लेइंग 11 कौन यहाँ पर विनिंग परसेंटेज और किस किस मैदान में होने वाले वो आप लोग बताएंगे। वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट होने, वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, लाइक बटन चैनल ने सीखने के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक। तो गाइस पहले आप लोग यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है आरआर वर्सेस गुजरात टाइटंस, मतलब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर मोतेरा स्टेडियम, मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में सबसे दुनिया का सबसे बड़े स्टेडियम है, यहाँ पर होने वाला है, खचाखच मैदान भर रहने वाला है। यहाँ पर फाइनल्स में जो यहाँ पर घर बैठ के उपभोग करना चाहते हैं तो भाई आपने टीवी में नजर जरूर जमाए रखें और भाई डिस्नी प्लस हॉटस्टार में भी आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं। 6:30 बजे से ब्रॉडकास्ट यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ पर 7:30 बजे से यहाँ पर जो है मैच शुरू होता है, पहला इनिंग्स का यहाँ पर मैच शुरू होता है, फिर मैच होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भैया आरआर वर्सेस जीटी का पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि भैया यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया किस मैदान में, अब बता देते हैं विनिंग परसेंटेज किसका प्रेडिक्शन यहाँ पर करता हूँ मैं, विनिंग परसेंटेज किसका ज्यादा यहाँ पर हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर बताए तो मैंने पहले ही बोल चुका है ऑलरेडी कि भैया कांटे का टक्कर है, मतलब क्या ही बोले, प्रेडिक्शन तो भैया मुझे लगता है कुछ ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि भैया यहाँ पर जो है कांटे का कड़ाकेदार मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, मुझे पता है क्योंकि भैया इस तरह हार्दिक पांड्या डेविड मिलर फॉर्म में और रिद्धिमान स्वामी बहुत ही बड़े फॉर्म में चल रहे हैं और भैया जॉस द बॉस अकेले ही यहाँ पर 100 यहाँ पर मैच विनिंग मतलब मैच जिताते हुए दिख रहे हैं और भैया ऑरेंज कैप पे दावेदारी में क्या ही बढ़िया, यहाँ पर 4 शतक लगे थे इस बार जो जॉस बटलर का यहाँ पर सीजन रहा है, 4 इन्होंने 8 शतक लगाए, 4 सेंचुरी का क्या ही यहाँ पर ये सीजन रहा है उनका। तो गाइस यहाँ पर बोल देते दोनों की विनिंग परसेंटेज आरआर का मुझे लगता है यहाँ पर 50 यहाँ पर मुझे लगता है कि जीटी यहाँ पर मैच जीतने में यहाँ पर मुझे लगता है मुख्य भूमिका पालन कर सकता है, उनके पास भारी टीम है, फिनिशर्स का रोल बहुत ही लोग अदा कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया है और राजस्थान का टीम ही भारी है, कांटे का टक्कर फिर भी मैं बोल देता हूँ गुजरात टाइटंस का 51% और यहाँ पर मुझे लगता है भैया राजस्थान रॉयल्स के आप लोग यहाँ पर 49% लगा लीजिए क्योंकि भैया मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुजरात का टीम बहुत ही बढ़िया है, फिनिशर्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, जब फिनिशर्स फॉर्म में है तो मैच फिनिश करने में क्या ही तकलीफ होता है। तो गाइस अब आते हैं भैया दोनों भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी तुमसे ना हो पाएगा, दोनों टीमों को प्लेइंग 11 परोस देते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहले परोस देते हैं गुजरात टाइटंस का प्लेइंग 11 और सेम प्लेइंग 11 दो यहाँ पर टीमों के, तो गाइस वो भी बोल देते हैं दो ओपनर यहाँ पर गुजरात टाइटंस के रिद्धिमान शाह सुमन गिल, 3 नंबर पे मैथ्यू वेट या अभिनव मनोहर, मैथ्यू वेट उतर रहे हैं बॉडी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है तो गाइस यही उतरेंगे, 4 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 5 नंबर पे डेविड किलर मिला, कैसे 3 बॉल में 3 छक्के मारे थे वो तो भैया राजस्थान अभी भूल ही नहीं होगी, 5 नंबर पे राहुल तेवटिया,
सॉरी छठे नंबर पे राहुल तिवारी, सातवें नंबर पे राशिद खान, आठवें नंबर पे अलजारी जोसेफ या यस दयाल इनके जगह खेल सकते हैं, नौवें नंबर पे रवि साई किशोर, दसवें नंबर पे लॉकी फर्गुसन, ग्यारहवें नंबर पे यहाँ पर है मोहम्मद शमी। तो गाइस ऑलरेडी ये प्लेइंग इलेवन होगा और यहाँ पर राजस्थान का प्लेइंग इलेवन यहाँ पर आप लोगों को दो पेनर यहाँ पर जॉस पटला, जॉस द बॉस पटला क्या ही बढ़िया यहाँ पर प्लेयर है, इनका तारीफ मतलब कम ही पड़ जाएगा। तीन नंबर पे है यहाँ पर संजू सैमसन द कैप्टन एंड विकेट कीपर सैमसन, चौथे नंबर पर देवदत्त पड़ीकर, पांचवें नंबर पर सिमरन हेटमायर, छठे नंबर पर रिया पर राग, सातवें नंबर पर रविचंद्र अश्विन, आठवें नंबर पर ट्रेंड बोल्ट, तो गाइस नौवें नंबर पे यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, दसवें नंबर पे यहाँ पर है युजवेंद्र चाहल, बढ़िया यहाँ पर स्पिन कर रहे हैं, ऑरेंज कैप के दावेदार पेश कर चुके हैं ऑलरेडी, ग्यारहवें नंबर पे यहाँ पर है ओबेड मैकाओ। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया दोनों टीम को प्लेइंग इलेवन पर दिया, विनिंग परसेंटेज यहाँ पर आप लोग बोल दिया इस मैदान में होने वो बोल दिया, बस अभी आप लोग टीवी की तरफ नजर रखना, मगर इस वीडियो की तरफ भी नजर रखिएगा जरूर और फाइनल्स की तरफ भी नजर रखिए, कांटे का मुकाबला होने वाले पहले से यहाँ पर बोल देता हूँ, और जरूर याद रखिएगा भैया यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का 49% गुजरात का 51% जरूर याद रखिएगा। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर परोस दिया, वीडियो ही तक था, वीडियो को थोड़ा फटाक से लेकर चैनल को सब्सक्राइब, नीचे से चैनल को सब्सक्राइब लिखने को प्रेस के लिए, एक बार आपको क्रिकेट से कुछ आईपीएल से कुछ मिलती रहती है। तो गाइस आज के लिए इतने मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।